जी, फाइनली वी हैड रीच आर डेस्टिनेशन, वी आर इन सकरदू। और आप मेरे बताने से पहले भी देख चुके होंगे और कि जो हमने जितनी थकावट और जो सफ़र किया, जो इतनी तकलीफें और मुसीबतें बर्दाश्त की हमने, आखिरकार हमें उसका फल भी मिल गया। इतना खूबसूरत व्यू है पीछे, और इस साइड पे देखें तो चटियल पहाड़ हैं, इस साइड पे मीडोज़ हैं, पीछे आपको बड़े बड़े दरख्त नज़र आ रहे हैं, एंड मोस्ट सरप्राइजिंग थिंग हमारे बिल्कुल बैक साइड पे डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट। तो जिसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी पिक्चोरियस जगह पे हम इस वक्त मौजूद हैं। अगेन मैं पहले भी ये कहता रहा हूँ अपने व्लॉग्स में कि जो चीज़ें होती हैं, कैमरे कभी भी किसी चीज़ की खूबसूरती को ना 100% बयान नहीं कर सकता, बाज़ जगह पे एग्जैजरेट करते थे, लेकिन जब हम यहाँ पे एक चीज़ को फील करने की बात करते हैं तो वहाँ पे आप जो नेकेड आई से देखते हैं या लाइव आप देखते हैं उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। तो ये सीन्स हैं, अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं, यहाँ पे सनसेट होने वाला है, आप बैक साइड पे देख सकते हैं सूरज ग़ुरूब होने वाला है, और इसके बाद हम ये करेंगे कि फ्रेश होंगे, फिर हम रात को डेजर्ट के ऊपर हमने जाना है ऊपर, तो वहाँ पे जाके हम बारबेक्यू का हमने प्लान किया हुआ है, और भी बहुत सारे प्लान हैं, साथ साथ आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, ये अहमद भाई और शहज़ेब भाई, ये दोनों हमारा आज का नाश्ता रेडी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे होस्ट हैं वो आज 10 मुहर्रम की जो एक्टिविटीज़ है उसमें बिजी हैं। तो शहज़ेब भाई, आपकी क्या एक्सपर्टीज़ हैं, आप क्या क्या कुकिंग में बना लेते हैं? सर जी, मैं तो सब कुछ ही बना लेता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं रेस्टोरेंट पे चला रहा हूँ। अच्छा, तो चाय, पराठा, ये अंडे, ये नाश्ते का चीज़ बना लेते हैं। ठीक हो गया, मतलब देसी फास्ट फूड सारी चीज़ों में ग्रिप है। अहमद भाई मुझे काफ़ी एक्सपर्ट लग रहे हैं, क्योंकि हम उम्र में भी थोड़े से हमसे हैं। अहमद भाई, आप क्या क्या चीज़ नाश्ते में या खाने में बल्कि बना रहे थे? सब कुछ बना लेता हूँ, हर किस्म का पराठा बना लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, चीज़ पराठा और गोभी आलू सब तरह के पराठे बना लेता हूँ, इसके अलावा बिरयानी हांडी सब कुछ, हांडियों में भी सब कुछ बना लेता हूँ, लेकिन मैं एज ए ताकि वो आपको कुकिंग वगैरह करके दे सकें। बाकी हम जैसे लोग तो सिर्फ कुकिंग में अंडा ही बॉयल कर सकते हैं। एक तीसरे हमारे हैं इमरान साहब, उन्होंने कल बारबेक्यू लगाया था और माशाल्लाह सब ने उनकी तारीफ की थी। वो तो खैर उनका भी शहज़ेब भाई की तरफ प्रोफेशन अपना काम है, तो हम आपको उनके भी व्यूज लेके देंगे इस बारे में। अभी हम करने लगे हैं ब्रेकफास्ट, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ब्रेकफास्ट की सीन्स। हमारा भी लगभग लेट हो गया। आमिर भाई, बिलाल साहब, रान आसिम, कमर भाई, जो जिनके पास हम सब की रूहें कब्ज़ हैं, हमारे ड्राइवर जुहेब साहब, फैज़ान साहब, मुजाहिद भाई, और एक टूर रेंजर्स में से शहज़ेब। अच्छा जी, यसनैन भाई हैं, हमारे होस्ट भी हैं, साथ टूर गाइड भी हैं, और इनकी रेस्ट हाउस में हम ठहरे हैं फिलहाल। तो ये अभी हमें दरिया कौन सा दरिया से इंडस रिवर, वहाँ हमें लेके जाने लगे, तो हम लोग गाड़ियों में चल चल के थक गए थे पिछले 3-4 दिनों से, गाड़ी में जाना चाहिए था हमें। तो अब हम लोग वॉक करके जा रहे हैं, 20 से 25 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस है, और ये हमारी पीछे जनता आ रही है। खुरमानी के दरख्त है, इस पे हमला हो गया है। अच्छा जी, रिवर पे जाके तो जो मजा आना है वो तो अलग है, और जो ट्रैक है हमारा वो आप देख रहे होंगे, कहीं बागात आ रहे हैं, कहीं दरिया में से निकले हुए नाले बह रहे हैं, कहीं ये देखें। ये रही अहमद भाई के हाथ में। दुश्वार गुजार रास्तों से होते हुए
अपनी मंजिल की तरफ हमारे कुछ जवान जख्मी हो गए शहीद, पहले मैं शहीद कहने लगा से इंडस रिवर के पास हम पहुंच चुके हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि वो नहाएंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि पानी बहुत तेज है। पानी तो यहाँ से ही बहुत तेज लग रहा है। लेट्स सी कौन नहाता है और कौन किसकी हम फातिहा पढ़ते हैं। ये हमारे जो ट्रिप का ना टैग लाइन है, फैजान बताना जरा। अच्छा जी, फाइनली हम पहुंच गए हैं इंडस रिवर बैंक पे और बहुत ही खूबसूरत मंज़र, दरिया तेज़ी से बहता हुआ, पीछे इसके आप देख सकते हैं चटियल पहाड़, और साथ अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव करूं तो पीछे एक को ग्रीनरी वाला एरी नज़र आ रहा होगा, ये एग्जैक्टली थोड़ा सा ये यहाँ पे गाँव भी है कोहाड़दू के नाम से, और उसको मिलाने के लिए दरिया के सामने ये जहाँ पर एग्जैक्टली मेरी फिंगर, ये सामने पीछे एक ब्रिज है जिससे वो पार करके सामने शकरदू शहर की तरफ आते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत मनाजिर हैं। मैं आपको ना ये 360 व्यू अपने बूथे के साथ भी दिखाता हूँ और इसके बगैर भी आपको दिखाता हूँ 360 व्यू यहाँ का। ये से सब तस्वीरें बना रहे हैं और हम इधर खड़े वेट कर रहे हैं कि हमारी बारी भी आ जाए, पर वो सेल साहब के वो अपने काम पूरे नहीं हो रहे, हम अपनी तस्वीरें कैसे बनाएं। ये देखें सेल साहब अपने टिकटॉक वीडियो बनाने के लिए ना पूरी बराबर कोशिश कर रहे हैं, ये तकरीबन चौथा राउंड होगा। ये देखें उनके भागने का स्टाइल, उनके पीछे पीछे कैमरा मैन भी भाग रहे हैं, पर वो उनको समझ नहीं कुछ आ रही कि क्या करना क्या नहीं। अच्छा जी, दरिया में नहाने के लिए तो कोई स्विमर नहीं मिला, तो फिर हमने फैसला किया है कि नाले में नहा ले। अभी हम नहाने लगे, खूब मज़ा किया है, बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, टिकटॉक्स बनाई हैं, हर किस्म की वीडियोस बनाई हैं, और अब स्विमिंग का एंजॉय करने लगे। चूहे भी नहा रहे हैं, मुख्तलिफ किस्म की मखलूकात नहा रही हैं इसमें। अच्छा जी, इंडस रिवर पर इंजॉय करने के बाद हम लोग वापस आ गए हैं अपने जहाँ पे हमने स्टे किया हुआ है, और अब आज हम लोग 10 मुहर्रमुल हराम की निस्बत से शहदाए करबला में जितने भी शहीद हुए उनको खराज अकीदत पेश करेंगे, कुछ कलामे पाक पढ़ेंगे, उसमें उनको सवाब दानिन बख्शेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे पीछे हमारे डेजर्ट है आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाएंगे। अल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। तो हम जा रहे हैं कटपना डेजर्ट, तो द बेस्ट वे आई फाउंड जाने के लिए इस चप्पल हाथ में और नंगे पाँव। हाँ, अगर आप बर्गर हैं या चूठे मम्मी डैडी तो फिर आप चप्पल ही पहन के हैं, अदरवाइज नंगे पाँव मेरे ख्याल में आप ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। सांस चढ़ रहा है क्योंकि मैं बगैर किसी ब्रेक के ऊपर जा रहा हूँ, मेरे साथ आने वाले वो वहाँ पे फोटो शूट कर रहे हैं। अभी आपको डेजर्ट के ऊपर के सीन्स दिखाते हैं। जब आप डेजर्ट हाइक करके आते हैं तो आपको नीचे ये सीन्स देखने को मिलते हैं, अ ब्यूटीफुल इवनिंग एंड हाइकिंग टुवर्ड्स कटपनल डेजर्ट। अच्छा जी, फाइनली वी आर एट द टॉप ऑफ कटपना डेजर्ट एंड व्यूज़ मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, कुछ व्यूज़ आप मेरे बूथे के साथ देख रहे हैं 360, और कुछ मैं आपको उसके बगैर दिखाऊंगा। इंतहाई खूबसूरत, जैसे मैंने नीचे मेंशन किया, मौजाती तौर पे इसे आप कुदरत का मौजा कह लें, कुदरत का करिश्मा कह लें,
के चटियल पहाड़, लेक और साथ ही डेजर्ट। सो यू कैन से 3-3 बजे इन वन टिकट। सो दिस इज़ दी व्यू एंड अगर आप यहाँ आएँ तो साथ एक और चीज़ सॉरी मैं मेंशन करना चाहूँगा, ये मेरे पीछे अब कुछ शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे सकरदू का जो एयरपोर्ट है वो भी है जिसे अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दे दिया गया। सो यू कैन इमेजन यू कैन कम लैंड हेयर ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद, रास्ते में आपको नांगा पर्वत और K2 के व्यूज़ मिलें, फिर जब आप लैंड करें तो लैंड करते वक्त भी आपको ये डेजर्ट साथ ये खूबसूरत पहाड़, ग्रीनरी, लेक ये चीज़ें मिलें, फिर आप उतरने के बाद इन सारी जगहों को वन बाई वन विज़िट करें। तो चीज़ें इसमें और भी आ रही हैं लेकिन फिर वो रिपीट होती जाएंगी। सो दिस इज़ द ब्यूटी, दिस इज़ अल्टीमेट ब्यूटी यू कैन से वन कैन इमेजन। वन थिंग मोर विच आई वांट टू ऐड इज़ के हमारे मुल्क में टूरिज़्म की बहुत ज़्यादा बात की जाती है और उसके अलावा स्पोर्ट टूरिज़्म की। तो दुबई में हम डेजर्ट्स वगैरह में देखते हैं कि जनाब कार रैलीज होती हैं, इमेजन अ कार रैली और अ बाइक रैली हेयर, आई थिंक इट विल बी लाइक अ टॉप नॉच। सो आई होप कि गवर्नमेंट और जितने भी इदारे हैं वो इस चीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे और इन फ्यूचर इसके मुतालिक प्लान्स बनाएंगे। सो दिस इज़ इट फ्रॉम हेयर एंड विल शेयर मोर थिंग्स विद यू एंड टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो।